आज हम विटामिन सी पर डिस्कस करेंगे। विटामिन सी आजकल बहुत सभी इस को लेके कंफ्यूज हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि विटामिन सी लें, और जो आम लोग हैं उनके मन में ये धारणा है कि विटामिन सी की गोलियां मिलती हैं उसे ले लिया जाए तो बहुत सही रहेगा और हम कोरोना से लड़ पाएंगे और ऐसा वैसा। एक्चुअली विटामिन सी हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है हमारी सेहत के लिए। तो पहले हम जानेंगे विटामिन सी क्या है, ये क्या काम करता है, किन किन चीज़ों में मिलता है और इसे हम डेली डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विटामिन सी होता क्या है। विटामिन सी एक्चुअली एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारे बॉडी टिश्यू के रिपेयरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये सारे काम करता है वो। इसके अलावा ये हमारे हड्डियाँ, दांत और हमारे घावों की हीलिंग और मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और अभी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करता है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि वो सेल्स को प्रोटेक्ट करे। सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से, और बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उससे लड़ने की हमें ताकत देता है। इसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है एक्चुअली। तो ये जो विटामिन सी है ये उन वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है और उनका फंक्शन को भी एनहेंस करता है। इसीलिए डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करेगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो बाहर से आने वाले किसी भी इन्फेक्शन से बॉडी अपने आप ही फाइट कर पाएगी और इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। तो इस तरह ये विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और अभी इसीलिए ज़्यादा इस पर फोकस है और होना भी चाहिए कि हमें हमें नेचुरल एबिलिटी देता है बीमारियों से लड़ने की। तो अब ये तो हो गया विटामिन सी क्या काम करता है। इसके बारे में क्या है कि ये रॉ ही खाना चाहिए। अगर विटामिन सी हम पका कर खाएंगे किसी भी सब्जी या फ्रूट को हीट पर रखें तो उसका विटामिन सी का लेवल ख़त्म हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए हमें इसे रॉ फॉर्म में ही, नेचुरल जैसा है उसे ही हम इसे ले सकते हैं। हम क्यों गोलियों से लें? बहुत सारे हैं ये, मैं तो आज सिर्फ वही चीज़ें आपको बताऊँगी जो हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं हर मौसम में। यूँ तो विटामिन सी बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिनमें मिलता है, लेकिन आज हम उन्हीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम पूरे साल ले सकते हैं और डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन सी के बारे में हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि इससे बॉडी कभी भी स्टोर नहीं करती, तो इसे हमें रोज़ ही लेना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज ले लिया अब मैं कई दिन तक नहीं लूँ, नहीं, मुझे डेली डाइट में शामिल करना है क्योंकि बॉडी इसे डिपॉजिट नहीं करती। और ये वाटर सोल्यूबल है, तो अगर हमने इसे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ले भी लिया ना तो ये बॉडी हमें, हमारी बॉडी इसको एक्सक्रीट कर देगी, तो कोई टेंशन नहीं है। और विटामिन सी के लिए सबसे टॉप पर जो आता है वो है आंवला। आंवला विटामिन सी की खान है, लेकिन आंवला हर मौसम में नहीं मिलता। तो मैंने तो आंवले को इस तरह सुखा के रख रखा है, ये आंवले का क्रश है किया हुआ, इसे मैं रोज़ 2-3-4-5 चम्मच खा लेती हूँ, तो ये विटामिन सी कुछ हद तक मिल जाता है। इसके अलावा आप विटामिन सी के लिए आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, कैंडी ले सकते हैं, ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि विटामिन सी किस किस चीज़ में कितना मिलता है। वैसे तो ये प्रेस्क्राइब ये है कि बच्चों से बूढ़ों तक 70 से 100 70 to 90 तक अप्रॉक्सीमेट हमें लेना होता है एक दिन की डाइट, है ना। 70 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी होना चाहिए, लेकिन हम इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन में जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आज मैंने 4 टमाटर खा लिए तो मुझे 17 mg मिल गया, मैंने 1 नींबू खा लिया तो मुझे 30 mg मिल गया, फिर लगेगा अरे मैंने 1 प्याज खा लिया तो मुझे 50 mg मिल गया, 1 शिमला मिर्च मैंने खा ली तो 95 mg मिल गया। तो इस mg के कैलकुलेशन में आप नहीं जाइए, आप अपने दिन को, अपनी डाइट को ऑर्गेनाइज़ कीजिए विटामिन सी के साथ। तो ये सारे आइटम है, ज़रूरी नहीं, अब इनमें से आप अपना चूज़ कर लें कि एक दिन हमें क्या खाना है, एक दिन हमें क्या खाना है। तो सबसे बेस्ट वे जो होता है विटामिन सी को लेने का टाइम, वो होता है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में हम शुरुआत अपने हर्बल टी से करें, लेमन टी से करें। अगर हम लेमन टी से अपनी शुरुआत करेंगे तो हमें विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन सी हमें एम्प्टी स्टमक में ही लेना चाहिए, वो ज़्यादा कारगर होता है, वो ले सकते हैं। इसी तरह देखिए सेकंड है मूंग, अंकुरित मूंग में विटामिन सी मिलता है। तो हम इनको
मूंग को अंकुरित कर सकते हैं, स्प्राउटेड मूंग हम खा सकते हैं, किसी भी वीक में एक दिन हम ही ले सकते हैं। फिर है फ्रूट्स, फ्रूट्स बहुत सारे हैं लेकिन अभी जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनमें है देखिए पाइनएप्पल, पाइनएप्पल हम ले सकते हैं, इसका जूस भी बना सकते हैं। मैंगो, मैंगो तो आ ही रहे हैं। ऑरेंज पूरे साल नहीं आते लेकिन मैंगो अभी आ रहे हैं तो मैंगो से हम अपना विटामिन सी कंज्यूम कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, इसके अलावा प्याज, जो अनियन है उसे हम अपने डेली सलाद में शामिल कर सकते हैं। अगर हम कच्चा प्याज खा लेते हैं तो कुछ मात्रा हमें विटामिन सी की मिल ही जाएगी। इसी तरह गोभी, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मशरूम में भी ये होता है और भी बहुत सारी सब्जियां, पालक में भी होता है लेकिन पालक कच्चा नहीं खाया जा सकता, पालक को पका के खाएंगे तो विटामिन सी चला जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोग खाई जा सकती हैं और इनसे हमें अपना विटामिन सी मिल सकता है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात या एक्सेप्शन का है वो क्या है पता है? ये जो कैबेज है ये अगर कच्चा खाएंगे तो हमें जितना विटामिन सी मिलता है उससे डबल विटामिन सी इसको कुक्ड करने के बाद खाने पर मिलेगा। सिर्फ एक ये ऐसा वेजिटेबल है, और भी कई होंगे इसे मैं जानती हूँ कि ये पकने के बाद इसके विटामिन सी डबल हो जाता है, बाकी सब में तो विटामिन सी कम हो जाएगा लेकिन इसमें डबल हो जाता है, तो हम इसे पका हुआ भी खा सकते हैं। पूरे वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि विटामिन सी की कैलकुलेशन में आप नहीं पढ़ें कि 70 हो गया, 90 हो गया। ये सारी चीज़ें जो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इन सोर्सेज को आप ऑर्गेनाइज़ कर लें, हर दिन एक आइटम ज़रूर इंटेक करें विटामिन सी के तौर पे। और यूँ विटामिन सी हम सब्जियों में भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अगर थोड़ा हम पैनिक है इस चीज़ को लेके तो हम इसे ऑर्गेनाइज़ कर लें। अगर हम रोज़ लेमन टी पी सकते तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तो इन सारे आइटम में से रोज़ एक आइटम हम रख लें, इंटेक कर लें, जैसे लेमन टी हो गया। फिर हो जाएगा हम 2 नींबू कम से कम एटलीस्ट हम रोज़ लें, तो कोई भी एक दिन आज हमने विटामिन सी के लिए 2 नींबू ले लिए, कभी हमने लेमन टी पी ली, कभी हमने अंकुरित ले लिए किसी एक दिन, तो ये विटामिन सी हो गया। फिर एक दिन हम आंवला डे ले लें, आंवले के ये आंवला कैंडी है, आंवले का मुरब्बा है, कुछ भी, तो वो भी विटामिन सी हो गया। फिर अगले दिन किसी दिन हम एक फ्रूट्स डे बना लें, पूरे दिन में हम ये फ्रूट खाएं तो ये आज हमारा विटामिन सी का सोर्स हो गया। अनियन सैलड जो है वो रोज़ ही लें तो बढ़िया है, जो नहीं खा सकते रोज़ प्याज वो कोई एक दिन प्याज का दिन बना लें कि आज तो अनियन डे है विटामिन सी के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और सब्जियां तो हैं, सब्जियों में और भी हैं, मैंने तो सिर्फ ये स्पेसिफिक रखी है ना, और भी सब्जियाँ जिसमें विटामिन सी मिलता है। और इसके अलावा छोले में मिलता है, मसूर दाल में मिलता है, तिल में भी मिलता है, लेकिन ये कुछ ऐसे आइटम हैं जिसे हम डेली रह सकते हैं रूटीन में, तो इसे हम लें। और विटामिन सी के लिए जो भी हमारी क्वेरीज हैं उसे हम बिल्कुल खामोश कर दें, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, बस हमें ये रोज़ लेना है, ये हमें ताकत देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, दैट्स इट।